नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों मैं हूं संदीप वर्मा। दोस्तों हम लोग यूपी टेट का मैथ्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम मैथ्स के दो वीडियो पहले हम डाल चुके हैं, ठीक है, और चैप्टर पहला ही है, दो वीडियो पढ़ चुके हैं। आज उसका अंतिम वीडियो है, चैप्टर 1 का पार्ट 3, ठीक है दोस्तों। तो पार्ट 3 में दोस्तों हम क्या सीखेंगे, आपको सामने दिख रहा होगा, भिन्न, जोड़ घटाना गुणा भाग और बॉड मॉस का रूल, बॉड मॉस का रूल, ठीक है। ये आपको हम समझा देंगे आज, ध्यान से वीडियो को देखिएगा और आखिरी तक वीडियो देखिएगा ताकि ये किसी भी प्रकार से कुछ इसमें रह ना जाए कि आपने ये सीखा नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले भिन्न के प्रकार से। दोस्तों ये समझ लीजिए भिन्न के प्रकार होते क्या हैं। आप देख रहे होंगे साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, संयुक्त भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न। दोस्तों होते तो कई प्रकार के भिन्न हैं, लेकिन जो मुख्य इम्पॉर्टेंट हैं, जो अधिकांश पूछी जाती हैं, हम सिर्फ उतना ही पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा समय भी बर्बाद ना हो और हम सीख भी सकें। चलिए साधारण भिन्न क्या होती है ये देख लीजिए। साधारण भिन्न हमने बताया था, कल ही बताया था, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में हो, अर्थात पी कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है, क्यू कोई भी नंबर हो सकता है। बस एक कंडीशन होती है, जो नीचे क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पी को बोलते हैं अंश, ठीक है, और क्यू को क्या बोलते हैं, हर, ठीक है। ये समझ गए, पी को बोलते हैं जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं अंश, जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हर, ठीक है। अब साधारण भिन्न क्या होती है, साधारण भिन्न जैसे 3/2 लिख दिया, ये है साधारण भिन्न, ठीक है। अब लिख दिया 7/8 लिख दिया, साधारण भिन्न है, ठीक है। ये समझ गए, कोई भी नंबर हो एकदम जो सिंपल सा हो, अगर वो भिन्न दी है तो क्या होगी, साधारण भिन्न होगी, साधारण भिन्न समझ गए, ठीक है। अब देखिए दशमलव भिन्न क्या होती है, दशमलव भिन्न क्या होती है, जैसे अंश में कोई नंबर दिया हो, मान लो 8 नंबर दिया हो, ठीक है, और जो नीचे हो वो 10 हो, या ऐसी कोई भी नंबर नीचे हो जिसमें लास्ट में 0 हो, जैसे 8/10 या 11/100, कोई भी नंबर, ऊपर कोई भी नंबर हो लेकिन नीचे 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, इनको कहते क्यों हैं ये देख लीजिए, इनको दशमलव भिन्न कहते क्यों हैं ये भी समझ लीजिए। जैसे अब ये 8/10 है, अगर हम नीचे से 10 को हटाएंगे, ये जो 10 है अगर हम इसको हटाएंगे तो ऊपर जाके ये क्या बनेगा, जाके 1 0 है तो एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा। तो इसका जो 8/10 का अगर डिवाइडेशन करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0.8, ठीक है। अब 11/100 का अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो इसका क्या उत्तर आएगा, 0.11, ठीक है। अब अगर 15/1000 का, ये जो है 15/1000 का अगर डिवाइडेशन करेंगे तो इसका क्या उत्तर आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा, देखिए इसमें 3 0 हैं तो ऊपर 3 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 15 तो एक दो ही संख्या हैं, तो अपने आप से 1 0 बढ़ा लीजिए और 1 दशमलव लगा लीजिए, समझ गए। ये हो गई दशमलव भिन्न, जिसमें 10, 100, 1000 हो वो होती हैं दशमलव भिन्न, ठीक है। अब समझिए संयुक्त भिन्न क्या होती है, आपने कई जगह देखा होगा भिन्न इस फॉर्मेट में लिखी होती, मान लीजिए 1 सही 4/5, या फिर कुछ भी लिखाओ 2 सही 5/6, इस तरह जो इस फॉर्मेट में लिखी हो संख्या वो क्या होती है, संयुक्त भिन्न। और संयुक्त भिन्न को, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये भी प्रश्न आ सकता है। साधारण भिन्न में बदलना, ठीक है, साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे ये समझ लीजिए। मान लीजिए 1 सही 4/5 है,
इसी का रख लेते हैं, एक सही 4/5 है। अब इसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो क्या करना है आपको, जो यहाँ पे संख्या है 5 और जो यहाँ पे है, ये आप देख रहे हैं 5 जो हर है, हर को इससे गुणा कर दो, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 × 5, ठीक है, और 4 को उसमें जोड़ दो, 5 × 5, ठीक। अब इसमें क्या करना है, 4 को जोड़ देना है, 5 × 9, ठीक है। तो इसको जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इसका जो उत्तर क्या आएगा, 9/5। देखिए हर को कुछ नहीं करना, हर को छूना नहीं है कि हर को भी बदल दिया, नहीं, हर को छूना नहीं है आपको, केवल संयुक्त भिन्न से साधारण भिन्न में बनाना है। हर देखिए वहीं का वहीं है, 5 देखिए वहीं पे है, खाली इसको चेंज किया, 5 × 5 और 5 + 4 = 9, ये देखिए 9 ऊपर आ गया 5 नीचे। तो ये हो गया संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, ठीक है, ये समझ गया, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना बिल्कुल समझ गए होंगे। अब व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है ये समझ लीजिए। मान लीजिए कोई साधारण भिन्न दी हुई है, मान लीजिए दिया है 5/6, ठीक है, 5/6 दिया हुआ है, ठीक। अब ये समझ लीजिए 5/6 दिया हुआ है, अब इसको क्या करना है, इसका व्युत्क्रम भिन्न बताना है आपको। 5/6 प्रश्न दे दिया, 5/6 का व्युत्क्रम भिन्न बताओ। तो व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है, जस्ट उल्टा, जैसे 5/6 है तो इसका जो व्युत्क्रम भिन्न होगा 6/5, समझ गए, 5/6 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा 6/5। एक और देखिए, 8/15 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 8/15 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा 15/8, समझ गए, व्युत्क्रम भिन्न बहुत आसान, बस केवल ऊपर का नीचे, अंश को हर में और हर को अंश में कर देना है, ठीक है। ये तो हो गए भिन्न के प्रकार जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। अब हम क्या समझेंगे, अब हम पढ़ेंगे जोड़। जोड़ करने से पहले हमें लासा का सामान्य परिचय लेना होगा, ठीक। चले पहले एक सिंपल सा जोड़ करके दिखा देते भिन्न का। मान लीजिए भिन्न का जोड़ करना है, कोई सिंपल सा भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, मान लीजिए 2/5 + 4/5, अगर इनका हमें जोड़ करना है तो क्या करना है, देखिए नीचे जो हर हैं वो समान हैं आपके, हर देखिए दोनों के 5-5 हैं, तो सीधा हर वाला संख्या लिख लिया 5। अब ऊपर जो भी है प्लस में उसको प्लस कर दीजिए, 2 × 4 = 6, 6/5 आपका उत्तर आ गया। लेकिन ये इतना आसान कब होगा, जब हर समान होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हर समान है, हर समान है तो आराम से हो गया सिंपल, इसको ये ऐसे ही उतार दिया और ऊपर के दोनों जोड़ लिए, आ गया 6/5। ये है भिन्न का जोड़। लेकिन अगर हर समान नहीं है, मान लीजिए 2/5 है, ठीक, अब और 4/7 है, अब देखिए अब हर समान है कहीं, हर समान नहीं है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में हमें सीखना पड़ेगा लासा, ठीक है। ये देखिए हमने क्या लिखा है, लासा का सामान्य परिचय ले लीजिए तो हम भिन्नों का जोड़ करना सीख जाएंगे जिनके हर समान नहीं है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, लासा देख लेंगे पहले, लासा कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए, लासा कैसे निकालते हैं ये देखिए, इधर 5/7 को हल करना है, तो सबसे पहले जो हर हैं 5 और 7 इनका लासा निकाल लीजिए, 5 और 7, गुणनखंड विधि सबको आती होगी, नहीं आती तो एकदम ध्यान से देख लीजिए। अब यह है 5, यह है 7, इसका लासा निकालना है, तो 5 से डिवाइड कीजिए, 5 × 5, 7 तो होगा नहीं डिवाइड, 7 को ऐसे उतार दिया, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 एक तो पहले ही से है, 7 × 7, तो इनका जो लासा आया 5 × 7 = 35, इनका लासा क्या आया 35 आया। अब इसको हल करेंगे, 5 2/5 + 4/7, लासा आया 35, 35 को नीचे रख दिया, ठीक, 35 नीचे रख दिया। अब ये देखिए 5 को 35 जो है इसमें ये 5 है, 5 का भाग दे दीजिए, 35 5 का भाग दीजिए, कितने बार जा रहा है, 5 × 7 = 35 कट गया,
आया सात, ये सात इसके जस्ट ऊपर वाले, देखिए ये पाँच है, पाँच को भाग दिया 35 से तो सात आया, 5 7 35 सात आया। अब सात को ऊपर वाले से गुणा कर दीजिए, जो अंश में है उससे गुणा कर दीजिए, 7 2 14, 14 लिख दिया, निशान बीच में प्लस का है, प्लस का निशान लगा दिया। अब क्या करना है, अब इसको इसको हल करना है, सात को भाग देंगे 35 में तो 7 5 35, ये देखिए 5 बार गया, ठीक है 5 बार गया। अब इसी 5 को क्या करेंगे, 4 में गुणा करेंगे, 5 × 4 = 20, ठीक ये समझ गए। एक बार फिर से देख लीजिए, 5 7 35, 7 आया, 7 2 14, जस्ट ऊपर वाला देख लीजिए उससे गुणा कर दीजिए। अब 7 5 35 और 5 आया, 5 × 20, 20 आ गया। अब 20 और 14 को जोड़ लीजिए, हो गया 34। अब देखिए जिनका हर बराबर नहीं है उनको भी आपने जोड़ना सीख लिया, ठीक है ये समझ गए, जिनका हर बराबर नहीं है उनको भी आपने जोड़ना सीख लिया और जिसका हर बराबर है उसको भी आपने जोड़ना सीख लिया, ठीक है। अब थोड़ा एक और प्रश्न करके देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, बारह बटे 15 + 16/20, ठीक देखिए इनमें हर बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे इस कंडीशन में, जब हर बराबर नहीं है तो लासा निकालना पड़ेगा, 15 20 का लासा निकाल लीजिए, 15 20 का लासा। अब ये 15 किससे कटेगा और 20 किससे कटेगा ये समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले छोटी संख्या से शुरू करते हैं, सबसे छोटी संख्या लासा निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। देखिए 15 5 से कटेगा और 3 से कटेगा, और 20 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, तो सबसे छोटी संख्या शुरू करते हैं, 2 से शुरू करते हैं, तो 15 तो कटेगा नहीं, जो कटेगा नहीं उसको सेम उतार लो, 20 कटेगा, 2 दहन 20। अब फिर से 2 से काटिए, 15, अब 2 5 10, जो कटे ना उसको सेम उतार दीजिए। अब ये 15 है, यहाँ 5 है, अब 3 से काटिए, 3 5 15, 5 तो कटेगा नहीं, इसको सेम टू सेम ऐसे उतार लीजिए, ठीक। अब देखिए 5, अब 5 से भाग दे दीजिए, 5 1 5, 5 1 5, ये हो गया। अब देखो एक एक, जब तक एक नीचे ना आ जाए तब तक आपको डिवाइड करते जाना है। अब इसका जो लासा होगा, लासा लासा क्या करना है, सारी संख्याओं को गुणा कर लीजिए, 2 × 2 × 3 × 5, लासा कितना आएगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, ठीक लासा आ गया 60। अब इसको हल करना है, 15 और 20 का लासा आ गया 60, ठीक। अब 60 को डिवाइड कीजिए 15 से, 15 × 60, ठीक 4 आया। अब 4 को ऊपर वाले में गुणा करिए, 12 × 48, प्लस का निशान लगा दिया। अब 20 है नीचे, अब 20 को 60 में भाग दीजिए, कितने बार जाएगा, 20 3 60 चला जाएगा, ठीक। अब ये 3 आया, अब 3 को 20 के ऊपर वाले से गुणा कर दीजिए, 3 16 से गुणा कर दीजिए, 16 3 48, समझ गए। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, आ गया आपका उत्तर। ये है भिन्न, एकदम आसान भाषा में भिन्न, समझ गए, भिन्न का जोड़ आपने सीख लिया, जिसका हर बराबर है, जिसका हर बराबर नहीं है, दोनों को आपने सीख लिया, भिन्न का जोड़ आप सीख लिया। अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने जोड़ लिया, जोड़ करना सीख लिया, घटाना बिल्कुल ऐसा ही है, सिंपल सा घटाना देख लीजिए। देखिए घटाना कैसे करना है, ठीक। अब कोई संख्या है, मान लीजिए 4/7 - 2/5,
सेम वैसे ही करना है जैसे किया जाता है। नीचे का लासा ले लो, 7 और 5 का लासा, 5 जो नहीं कटे उसको सेम टू सेम वैसे उतार दो, 5 एकम 5 कट गया। अब 7 से करके देख लो, हमेशा छोटी से छोटी संख्या से करेंगे ये याद रखिएगा, 7 एकम 7। और ये तो एक पहले से है, लासा इसका कितना आया, 5 सत्ते 35। अब इसको हल कीजिए, देखिए इनका लासा कितना आया, 35। अब देखिए 7 को 35 में भाग देंगे तो 7 पंचे 35 जाएगा, 5 बार जाएगा, और 5 को ऊपर से गुणा कर दीजिए, 5 चौको 20, बीच में निशान है माइनस का, माइनस निशान लगा दिया। अब 5 को भाग दीजिए 35 में तो 5 सत्ते 35, 7 बार जा रहा है, तो 7 को 2 से गुणा कीजिए, 7 दूना 14। अब 20 में 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। आपका उत्तर आ गया 6/35। ठीक है, एकदम सिंपल सा है घटाना, एकदम सिंपल सा है जोड़। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है। अब घटाना आपने सीख लिया, अब सीखते हैं हम लोग गुणा। गुणा तो इतना आसान है कि आप देखते कहोगे कि अरे इतना आसान है। अब देखिए गुणा क्या है, मान लीजिए कोई संख्या है 16/17 गुणे 5/3, ठीक मान लीजिए ये है। अब इसको आपको गुणा करना है, दोनों भिन्न हैं, दोनों सिंपल भिन्न हैं, साधारण भिन्न हैं, इनको गुणा करना है। गुणा करने में कुछ नहीं करना होता है, ऊपर को ऊपर से गुणा कर दो, नीचे को नीचे से, 16 पंचे 80, 17 तिया 51। दोस्तों हमें ऑप्शन देख के तुरंत टिक करना है, यूपीटेट में आंसर आंसर ऑप्शन में दिए रहते हैं, जो सही है तुरंत आप देख लीजिए, 16 पंचे 80, 17 तिया 51, 80/51 जो भी हो तुरंत तुरंत से टिक कर दीजिए। तो गुणा, गुणा तो बिल्कुल आसान है, गुणा तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, तो गुणा में ज़्यादा समझाना भी नहीं चाहता क्योंकि गुणा बहुत आसान है। अब देखिए भाग, भाग में थोड़ा आप समझ लीजिए, गुणा सिंपल है, ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए, नीचे नीचे गुणा। अब देखिए भाग में क्या करना है, अब मान लीजिए 16/17 भागित 5/3, अगर यही दे दे 16/7 17 और 5/3, इसको क्या करना है, भाग करना है। तो अब थोड़ा समझने की चीज़ है, देखिए अब 16/17 और 5/3 से भाग देना थोड़ा बहुत अजीब सा है, ठीक है। भिन्न का भाग इतनी जल्दी कोई दे नहीं पाता है, क्योंकि इसको आप पहले 16/17 को आप दशमलव में कीजिए, उसके बाद भाग दे दीजिए। तो इससे अच्छा है, सबसे आसान ट्रिक है वो समझ लीजिए, देखिए 16/17 है ये, जो देखो हमें गुणा करना आसान है, भाग देना कठिन है, तो हम इसको ऐसा ना करें, इसको हम गुणे में कन्वर्ट कर लें। तो 16/17 जो पहले आता तो उसको एज इट इज़ रख दो, और जो बीच में निशान लगा है भाग का, इसको कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कुछ और भी चेंज करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं सीधा सीधा केवल भाग को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर दें। तो इसके एवरेज में 5/3 को जस्ट व्युत्क्रम करना पड़ेगा। व्युत्क्रम क्या, मैंने बताया था जो भिन्न है अगर व्युत्क्रम करना है तो उसके अंश को हर में और हर को अंश में। तो 16/17 गुणे, अब 5 को नीचे ले आओ 3 को ऊपर, देखो 5/3 था यहाँ, यहाँ 3/5 कर दिया। इतनी आसानी से 16 तिया 48, 17 पच्चे 85, ठीक ये हो गया आपका भाग। अब बताओ इसमें क्या कठिन है, बिल्कुल आसान है, समझ गए। 16/17 को भाग दिया 5/3 से, उत्तर आपका आ गया 48/85। या तो आप इसको पूरा हल करिए, 5/3 को अलग हल कीजिए, 16/17 को अलग हल कीजिए, जो जो आए उसको भाग दीजिए, या तो सीधा इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए और इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, यही नियम है, और उत्तर आ गया आपका 48/85। ठीक है, अब आप समझ गए भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग। जिसको ना समझ में आया हो दोस्तों, आप लोग प्लीज़ वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, एकदम आसानी समझ में। एक बार में ना समझ में आए, दो बार में ना समझ में आए, आप वीडियो को 10 बार देखिए, 100% आपके दिमाग में जाएगा ही जाएगा। चलिए ये तो हो गया, अब थोड़ा समझ लेते हैं बॉड मास रूल, ये क्या है। कुछ लोग परिचित होंगे, कुछ लोग परिचित नहीं होंगे, ठीक है, एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं, शायद बहुत लोग परिचित नहीं थे क्योंकि सब लोग ऊपर का पढ़ने की कोशिश करते हैं। बॉड मास क्या है,
बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन और ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये समझ गए। अब बी, अब पूरा बॉड मास समझ गए, बॉड मास है क्या। अब थोड़ा ब्रैकेट में भी कुछ, ये क्या है बॉड मास। अगर कोई ऐसी समीकरण दे दे जिसमें गुणा भी हो, घटाना भी हो और जोड़ना भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, तो ऐसे में क्या करना होता है, ऐसे में आपको बॉड मास का रूल लगाना होता है। बिना बॉड मास का रूल लगाए आप इसको हल नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको करना कैसे है ये समझ लीजिए। ठीक है, देखिए बॉड मास में ब्रैकेट में भी थोड़ा सा तीन चार चीज़ें वो देख लीजिए। ब्रैकेट में भी पहले कौन सा हल करना है, बाद में कौन सा हल करना है। देखिए ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बार ब्रैकेट, ठीक है, एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है मीडियम, एक होता है बिग ब्रैकेट। ये हो गए चार ब्रैकेट होते हैं, दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, ये है चार ब्रैकेट। अगर अब इन चार ब्रैकेट में से कोई ब्रैकेट, मान लीजिए दो ब्रैकेट आ जाए, तीन ब्रैकेट आ जाए, तो सबसे पहले आप बार ब्रैकेट को हल कीजिए, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर सबसे बड़ा। समझ गए, अब एक सवाल करके देख लेते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ एक या दो सवाल करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम आपके लिए कुछ सवाल पेश करेंगे, फिर आप उसको हल करना, उसका उत्तर देना, और जिसको नहीं आएगा मैं उसका हल अलग से बता दूंगा। चलिए देखिए, अब एक प्रश्न कर लेते हैं, अपने ही मन से कोई सवाल बना लेते हैं। 15 × 3 डिवाइड बाय 15 ने डिवाइड नहीं रखते हैं, माइनस कर लेते हैं। 5 + 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 4 × 8, ठीक है, और -7। चलिए इतना रख लेते हैं, छोटा सवाल, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि पहला सवाल है ये। आप इसको ये मत समझिएगा कि ये भाग है, ठीक है, ये माइनस का निशान है। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिएगा इसको। चलिए हल कैसे करेंगे, हल देखिए। सबसे पहले हमने क्या बताया था, ब्रैकेट हल करना है, बॉड मास के नियम के अनुसार ब्रैकेट हल करना है। बाकी को एज इट इज़ उतार दीजिए, सब कुछ सेम टू सेम ऐसे ही उतार दीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट को हल कर दीजिए, 4 × 8 = 32 -7, ठीक, ये हो गया हल। अब ऑफ, ऑफ देखिए इनमें कहीं है, ऑफ मतलब देखिए किसी में लिखा होता है 5 का 6वां भाग, ठीक है, जहाँ पर का आ जाए तो वो होता है ऑफ, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ तो है नहीं, तो ऑफ को छोड़ दीजिए। अब डी फॉर डिवीज़न, देखिए डिवीज़न कहीं है, ये रहा डिवीज़न, तो इसको हल कीजिए, प्लस इसको हल कीजिए, 4 / 2 आएगा, 2 प्लस 32 -7, ठीक। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ये रहा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, 15 × 3 = 45, बाकी सेम टू सेम वैसे उतार लीजिए, ठीक। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन मतलब एडिशन है, माइनस, देखिए अब जो एडिशन का मतलब है जो प्लस के फॉर्म में है, जो मतलब निगेटिव नहीं है। देखिए 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, 7 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस को अलग, प्लस प्लस को अलग, तो 45 + 2 + 32 -5 -7, ठीक है। अब देखिए
पैंतालीस दो सैंतालीस और सैंतालीस और बत्तीस जोड़ लीजिए, सैंतालीस और बत्तीस 79, दो दो चार पाँच नौ, तीन चार सात, माइनस 12, इन दोनों को जोड़ लिया 12 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, 79 में 12 माइनस कर लीजिए, 9 में 2 गया 7, 7 में 1 गया 6, ये आ गया आपका उत्तर। इतना आसान है बॉडमॉस का रूल, ठीक है। केवल BODMAS ये याद रखिए, एक लाइन से इसको हल करना है, ब्रैकेट को सबसे पहले, ऑफ को उसके बाद, डिवीजन को उसके बाद, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दोस्तों ये है बॉडमॉस का नियम। दोस्तों आज हमने भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग समझ लिया, लासा का सामान्य परिचय समझ लिया और बॉडमॉस का रूल समझ लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको एक बार में वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा तिबारा चौबारा जितने बार चाहें उतने बार देख लीजिए, कोई पैसा नहीं लगना है, निःशुल्क है। दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन दबा देंगे तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।